मुल्क में इलेक्शन 2018 के चर्चे होने लगे। खिलाड़ियों ने इख्तलाफात के बावजूद पैड बांध लिए। जालों की नई बॉल से फास्ट बॉलिंग। नून लीग के बड़े प्लेयर्स भी स्टेडियम पहुंच गए। बाकी जमातें भी दो दो हाथ के लिए तैयार। कामयाबी देगी दस्तक किसके दर पर, इसके लिए करना पड़ेगा 25 जुलाई का इंतजार। लड्डू कोई और खाए। तहरीक इंसाफ में इंसाफ ना मिलने पर कारकुनों का पारा हाई हो गया। टिकट्स की तलाश में बनी गाला पहुंच गए। एहतजाज करके दिल की भड़ास निकाली। तब्दीली के गुब्बारे से हवा निकल गई। तहरीक इंसाफ ने 60% टिकट्स लोटों में बांट दिए। क्या ऐसे बनेगा नया पाकिस्तान? इन कोई आउट। अवामी एहतजाज या सियासी धमकियां, पीटीआई टिकटों में रद्दोबदल पर मजबूर हो गई। फिरदौस आशिक अवान एन ने 72 से टिकट लेने में कामयाब। शौकत यूसुफजई, शहरियार आफरीदी और हमीदा शाहिद की किस्मत जाग गई। अली मोहम्मद खान ताहाल लाइन में। तब्दीली की दावेदार जमात पीटीआई को नौजवान न मिल सके। बुजुर्गों को ही नौजवान बना डाला। 83 साल के सरदार जुल्फिकार खोसा पीटीआई लिस्ट में 25 साल के हो गए। रिटायर्ड मेजर जनरल हाफिज मसरूर भी 25 के हो गए। चकवाल के गुलाम अब्बास, झंग के गुलाम बीबी भरवाना भी नौजवानों में शामिल। कसूर के राशिद तुफैल और बहावल नगर की फातिमा ताहिर चीमा भी जवान। छोटा भाई निसार, बड़े को एतराजात ही एतराजात। चौधरी निसार को टिकट देने पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे इख्तलाफात पैदा हो गए। क्या चौधरी निसार नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे? लाहौर की लाडली जमात कौन सी? वोट तहरीक इंसाफ को पड़ेगा या नून लीग पर होगा फिर एतमाद? ख्वाजा साद रफीक इमरान खान के मुकाबले से कतराने लगे। हमजा शहबाज के दबदबे के बायस कोई खिलाड़ी मैदान में आने को तैयार नहीं। डॉक्टर यास्मीन के मुकाबले में आया सादिक के मैदान में उतरने का इम्कान। जहीर अब्बास खोकर शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबले होंगे। एक तरफ पोश एरिया, दूसरी जानिब ओल्ड सिटी। कराची के हलका एमए 247 का सिकंदर कौन, 3 जमातों के सरबराहान समेत बड़े पहलवान तैयार हो गए। फारूक सत्तार, परवेज मुशर्रफ, मुस्तफा कमाल और आरिफ अलवी में जोड़ पड़ने का इम्कान। इमरान खान, शहबाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, फारूक सत्तार, जईम कादरी और राणा मशहूद ने कागजात जमा करा दिए। पीटीआई के वलीद इकबाल एनए 129 से आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज कौमी असेंबली के 2 हलकों से मैदान में उतरने को तैयार। कहती हैं एनए 125 और 127 से दरख्वास्त दे रही हूं। हलका इंतखाब का फैसला पार्टी कयादत करेगी। हनीफ अब्बासी और चौधरी दानियाल में भी पार्टी टिकट के लिए जबरदस्त मुकाबला। शेख रशीद के खिलाफ किसे इलेक्शन लड़ाएं, नून लीग फैसला नहीं कर सकी। हमारे उम्मीदवार सबसे तगड़े, उनका मुकाबला करना आसान नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं अभी इमरान खान ने मुहिम शुरू करनी है। नून लीग को सांस ऐसे ही नहीं चढ़ा हुआ। मुल्क की सियासत में तशद्दुद का रंग गालिब। शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में नून लीग और पीटीआई कारकुनों में नारे लगाने पर झगड़ा। फायरिंग से लीगी कारकुन जां बहक। पार्लियामेंटेरियंस बड़े होशियार निकले, कानून साजी न होने दी। इलेक्शन कमीशन का सियासतदानों के असासों की तफसीलात और नामजदगी फॉर्म वेबसाइट पर न डालने का फैसला। फारूक सत्तार के गिले शिकवे, कहते हैं एमकेएम पाकिस्तान की सियासी आजादी सल्ब है, दीवार से लगाने का अमल बंद होना चाहिए।
खिलाए गुटलू आप सब जानते हैं और ये एक सियासी जो है बयान है। मुख्तलिफ लोग अपने अपने सियासी ज़रूरियात और सियासी मफादात के हवाले से अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। जितनी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने मिल के उस फ्रेमवर्क को सामने रखते हुए मदद फ्राहम करनी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को यकसा मौके जो हैं वो मिलें, वो इलेक्शन में जो हैं वो हिस्सा लें, तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना जो है एक बुनियादी जिम्मेदारी है। इल्जामात का जवाब कारकर्दगी से दूंगा, वजीर आला हसन अस्करी का ऐलान। खलाई मखलूक को सियासी बयानिया करार दे दिया, पहले कोई सियासी एजेंडा था ना अब है, शफाफ इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है। मजार इकबाल पर हाजिरी, काबीना मुख्तसर रखने का वादा। असद दुरानी और यूनस हबीब से कोई रकम नहीं ली, असगर खान केस में नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया, जमात इस्लामी ने भी इल्जामात की तरदीद कर दी। मुशर्रफ से किसी को क्या खतरा हो सकता है, आने का कहा तो सबको खतरा महसूस होने लगा। साबिक सदर आए और कानून का सामना करें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दौरान समाप्त रिमार्क्स। डैम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट किरदार अदा करेगी, कालाबाग डैम पर चार भाई मुत्तफिक नहीं तो मुतबादिल क्या है, पानी की किल्लत कैसे पूरी करें, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। 10 साल बाद क्वेटा में पानी नहीं होगा, पानी की किल्लत से मुतालिक केस की समाप्त में रिमार्क्स। वीआईपी से गैर जरूरी सिक्योरिटी वापस लेने का हुक्म बरकरार, इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पेबंदकारी के मामले पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों से एक माह में रिपोर्ट तलब, चीफ जस्टिस का थर में बच्चों के अंबाद से मुतालिक तमाम कमीशन की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। साबिक एसएसपी राव अनवार को जेल में बी क्लास मिलेगी, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली, सब जेल में रखने के लिए सिंध हाई कोर्ट के फैसले के इंतजार की हिदायत, समाअत 14 जून तक मुलतवी। वल्डन मुराद अली शाह चीफ जस्टिस कराची में सफाई की सूरत हाल पर मुतमईन, कहते हैं कराची में सफाई देखकर खुश हूं, सारा क्रेडिट सिंध हुकूमत को जाता है, बरसात आने वाली है, बंद नालों का क्या हुआ, मेयर कराची से इस्तफसार, नालों की सफाई के लिए एक माह की मोहलत। कहीं बादलों की घनगरज, कहीं रिम झिम फुहार, कहीं ठंडी ठंडी हवाएं, मुल्क भर में प्री मॉनसून की एंट्री, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में गर्मी छुट्टी पर चली गई, सिलसिला दो रोज तक जारी रहेगा, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। गर्मी में कमी के बावजूद लोड शेडिंग को शर्म ना आई, बिजली का शॉर्टफॉल 5400 मेगावाट हो गया, मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। की खनक, मेहंदी की महक, मैचिंग दुपट्टों की रंगाई, ईद के चांद से पहले बाजारों में चांदनी, खवातीन फुल टाइम मसरूफ, बेचारे मर्द हजरात घरों में बच्चों की आओ भगत में मसरूफ। पाक बहरिया के सीकिंग हेलीकॉप्टर्स का खुले समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन, ईरानी कश्ती के अमले के 11 अफराद को डूबने से बचा लिया, तिब इमदाद भी फराहम की गई। सियालकोट
में बिगड़े रईस दादों की दरिंदगी, मेहनत कश के बेटे को घर बुलाकर कत्ल कर दिया, लाश गली में फेंक दी, एक मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है बजाहिर वाकया गैरत के नाम पर कत्ल लगता है। क्या इंसानियत दम तोड़ रही है? अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में नौ मौलूदों की खरीद फरोख्त का इंकशाफ। मकरू धंधे में अस्पताल की मुलाजिमा मुलविस, 30 साल में 1200 बच्चों की खरीद फरोख्त का एतराफ। 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, खुर्शीद बीबी मौतल। शेखुपुरा में कमरे के तनाजे पर डीसी ऑफिस मुलाजमी ने एंटी करप्शन जज को जरगमाल बना लिया, कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। पुलिस और मुलाजमीन गुत्थम गुत्था, वकला ने जज को बाजियाब कराया। चीफ जस्टिस का महकमा तालीम सिंध के मुलाजमीन को 6 साल की तनख्वाह देने का हुक्म। कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज करने वाले मुलाजमीन खुश, चीफ जस्टिस के हक में नारे। सुप्रीम कोर्ट का कराची में इश्तिहारी दीवारें गिराने का हुक्म, आइंदा इस मकसद के लिए दीवारें बनाने पर पाबंदी आए। लाहौर पार्किंग कंपनी स्कैंडल, नैब ने साबिक डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को 11 जून को तलब कर लिया। लाहौर से कराची जाने वाली तेल बरदार रेलगाड़ी को हादसा पेश आ गया, सखर के करीब 13 बोगियां उलट गईं। अमेरिका की अकल ठिकाने आ गई, अफगानिस्तान से मुजाकरात के लिए पाकिस्तान की मदद मांग ली। सदर ट्रंप की मामून लीजा क्रिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान के खदशात पर तवज्जो देना इंतहाई अहम है। ईद उल फितर के एहतराम में तालिबान का भी 3 रोजा जंग बंदी का ऐलान कर दिया। जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जम्हूरियत अगर बेहतरीन निजामे हुकूमत है तो फिर आवाम तक समरात क्यों नहीं पहुंचती? इंसाफ, आईन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जम्हूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जम्हूरी पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जम्हूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आजम हूँ। बेटे चुप बोलो, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेजी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओ नवाज शरीफ हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती। कराची में टेप बॉल नाइट क्रिकेट का सीजन ऑन, रमजान नाइट क्रिकेट में शहर की कई टीम्स की शिरकत। साबिक कप्तान मोइन खान भी दीवाने निकले, कहते हैं रमजान में टेप बॉल क्रिकेट का भी अपना ही मजा है।
बेटा बाप से भी तेज निकला। सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर अंडर 19 के लिए मुंतखब, बहैसियत फास्ट बॉलर टीम में शामिल। इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। योम अल-कुद्स पर एहतजाज करने वाला 14 साला हातिम जलाल शहीद। हातिम की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में बीजेपी एमएलए की गुंडागर्दी। थाने में अहलकार पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। बीजेपी रहनुमाओं की हरकत पर पूरे भारत में शोर। चीन एक बार फिर बारिशों और सैलाब की लपेट में। निजामे जिंदगी दरहम बरहम, सड़कें दरिया बन गई। लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद जान बहक, रेस्क्यू अहलकारों का मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन। का मोहम्मद अली कार्ड भी फ्लॉप हो गया। कहा वियतनाम जंग में हिस्सा न लेने पर अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली को शायद माफ कर दें। ट्रंप रहने दें, सुप्रीम कोर्ट पहले ही माफ कर चुकी है। अहले खाना का जवाब। रूसी सदर प्यूटिन भी चाइनीज खानों के दिलदादा। दौरा जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं। जम्हूरियत अगर बेहतरीन निजाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुंचती। इंसाफ, आईन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं। 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए। इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों। इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आजम हूं। बेटे क्यों बोलो, इसमें रोने वाली क्या बात है। पापा, जेजी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओ नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रेंड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं,
مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا ایٹ میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ جمعے سے اتوار رات 8:03 پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر. کھوج رگوں میں زہر اتارنے والوں کی, بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی, اغوا کی ہو واردات یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش, اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہاتھ. پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے باز. کیونکہ ہم کریں گے انکشاف. دیکھیے پروگرام انکشاف ہفتہ اور اتوار کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر. وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں. اسرافیل اور یہ تیرا غلام, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت دے دے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے. اللہ چاہے تو قبول کر لے, اس کا احسان ہے, وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے. یہاں بت پڑے ہوئے ہیں, یہاں خیر پڑے ہوئے ہیں, یہاں مخلوق آ گئی ہے, اسے فرش کے نکال. اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں: ایمان, عمل صالح, تبلیغ کا کام, صبر. 24 نیوز باخبر 24 گھنٹے. چینگ ہونگ. آئی ایم سوری بوجی. کے ساتھ میں ہوں خدا شاہ اور میں ہوں حیدر عوام. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی, کس کو ملے گی ٹکٹ, کون ہو گیا ناراض, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. آئی ایم سوری بوجی. جلد مچنے والی ہے 24 نیوز کی سکرین پر افراز زفری. سیاست اگر عبادت ہے تو باکردار قیادتیں کیوں نہیں؟ جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک ثمرات کیوں نہیں پہنچتے؟ انصاف, آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں؟ 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کیوں ہیں؟ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹائرنی آف میجورٹی؟ آج عوام, عدلیہ اور فوج ایک پیس پر. دیکھیے پروگرام پوائنٹ آف ویو پیر سے جمعرات رات 10:03 پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر. مت بولو, میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوں. بیٹے کیوں بولو, اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پاپا جی جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے. او نواز شریف ہمارے آئے سونیا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہزادی اسد. شہباز, میں جب بھی دوربین سے دیکھتا ہوں
मुझे साजिश लग रहा है। आज दो कौन आज फ्रॉड हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अफवाह की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ, पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। وتنزع الملك ممن تشاء جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت دے دے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا احسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں بت پڑے ہوئے ہیں یہاں خیر پڑے ہوئے ہیں یہاں مخلوق آ گئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صبر سر بازار نیلام ہم سننے والا کوئی نہیں میرے آقا دیکھیے پروگرام حیال الفلاح روزانہ صبح 7:03 پر صرف 24 نیوز HD پر सॉरी बुजी जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं। जमहूरियत अगर बेहतरीन निजाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समरात तकसीम पर कहीं नोबाल का शोर तो कहीं सिलेक्शन कमेटी की जानबदारी पर सवाल उठने लगे। नाराज खिलाड़ियों का बरीगाला के बाहर एहतजाज, मुख्तलिफ शहरों में नजरियाती कारकुन नाइंसाफी पर बरहम हो गए। कुछ ने तो राहें जुदा करने का फैसला कर लिया। PTI پارٹی ٹکٹ کی تقسیم کے خلاف اسلام آباد بنی گالا کے باہر احتجاج، مظاہرین نے قائدین کو روک لیا۔
لاہور میں ٹکٹس پر شدید ناراض رہنماؤں نے متبادل حکمت عملی پر غور شروع کر دیا۔ گوجرانوالہ میں تحریک انصاف میں ٹکٹس کی تقسیم پر امیدوار پھٹ پڑے۔ رانا نعیم الرحمان کا کہنا ہے وہ 15 برس سے پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں، انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا، وہ بنی گالا میں دھرنا دیں گے۔ اللہ کے فضل سے یہاں پہ خان صاحب کو ہم بلائیں گے، اگر وہ آنا پسند کریں گے ٹھیک ہے، نہیں تو ہم انشاءاللہ خود بنی گالا جائیں گے اور وہاں پہ جا کے وہاں پہ ہم وہ دھرنا دیں گے جس کی تربیت خان صاحب نے دی ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے کارکنان نے پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ حلقہ پی پی 59 میں پیراشوٹ امیدوار عارف چٹ نامنظور کے نعرے، پیراشوٹ امیدوار کو ٹکٹ دینے پر کارکن مرغا بن گئے۔ فیصل آباد میں بھی ریاکشن سامنے آیا، پی پی 111 کے امیدواروں نے بغاوت کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ سلمان عارف کی پریس کانفرنس، رضا نصر اللہ گھمن نے انتخابات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ توبہ ٹیک سنگھ میں بھی کئی کارکن ناراض ہو گئے۔ مقامی پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر وحید اکبر نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ مظفر گڑھ میں من پسند علمدار قریشی کو ٹکٹ دینے پر کارکنان نے اپنی ہی پی ٹی آئی کی گاڑی کو آگ لگا دی، سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی۔ تبدیلی والی پارٹی پر پارٹیاں تبدیل کرنے والوں کا غلبہ ہو گیا، پی ٹی آئی نے 60% ٹکٹس مستقل لوٹوں کو دے دیے۔ سیاست کی منڈی میں موجود 100-150 لوٹے اس بار سب کے سبھی بنی گالا والوں نے خرید لیے۔ 2002 اور بعد کے انتخابات میں یہی ہیرے کبھی قاف لیگ، کبھی پیپلز پارٹی اور کبھی نون لیگ کے اقتدار کے تاج میں جگمگاتے رہے۔ اس طرح تبدیلی والی پارٹیوں پر پارٹیاں تبدیل کرنے والوں کا غلبہ ہو گیا۔ انصاف کے نام پر اتنی بڑی ناانصافی، اور اسی سیاست کے خلاف علم بلند کرنے والی تحریک انصاف میں ٹکٹیں باپ بیٹے، چچا بھتیجے اور ماموں بھانجے میں بانٹ دی گئیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ پی ٹی آئی نے پارٹی ٹکٹ من پسند افراد میں بانٹنے کی حد کر دی۔ سندھ سے لیاقت جتوئی اپنے بیٹے کریم خان جتوئی کے لیے ایم این اے کا ٹکٹ لینے میں کامیاب۔ لیاقت جتوئی کے سگے بھائی احسان علی جتوئی، دوسرے بھائی صداقت جتوئی، لیاقت جتوئی کا کامدار عاشق، ایک دوسرا کامدار بند علی جتوئی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر سندھ اسمبلی کے الیکشن لڑیں گے۔ شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی ملتان سے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ پرویز خٹک اپنے داماد کے لیے ٹکٹ لینے میں کامیاب رہے۔ افضل ساہی کے بیٹے علی ساہی، چودھری ظہیر الدین، علی اختر کو بھی ٹکٹ مل گیا۔ منڈی بہاوالدین سے نظر گوندل کے قریبی عزیز ندیم افضل چند سرگودا سے انتخابی دنگل میں حصہ لیں گے۔ ذوالفقار کھوسا اور سیف کھوسا ڈی جی خان میں پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ تحریک انصاف نے مضبوط امیدوار میدان میں اتارے۔ فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ ان پہلوانوں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں، ابھی عمران خان نے مہم کو اٹھانا ہے، نون لیگ کی سانس ایسے ہی نہیں پھولی ہوئی۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ فواد چودھری نے کیا کہا، تحریک انصاف نے مضبوط امیدوار میدان میں اتارے، یہ کہنا تھا فواد چودھری کا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان پہلوانوں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، ابھی عمران خان نے مہم کو اٹھانا ہے۔ تحریک انصاف پر خود نوجوان کی جماعت ثابت کرنے کا جنون یا ٹیم مینجمنٹ کی نااہلی، جلد بازی میں بنائی فہرست نے نیا مسئلہ کھڑا کر دیا، کئی بزرگ رہنماؤں کو نوجوان بنا دیا۔ قیادت کے لیے نوجوان نہ مل سکے تو بزرگوں کو ہی نوجوان بنا ڈالا، جو کوئی نہ کر سکا پاکستان تحریک انصاف نے کر دکھایا۔ بوڑھوں کو نوجوان بنانے کا نسخہ پی ٹی آئی مینجمنٹ سیل نے آزمایا۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کی فہرست میں کئی سینئر رہنماؤں کو 25 سالہ نوجوان بنا دیا گیا۔ 83 سالہ بزرگ سیاستدان سردار ذوالفقار کھوسا پی ٹی آئی لسٹ میں 25 سال کے ہو گئے۔ چکوال کے غلام عباس، جھنگ کے غلام بی بی بھروانا بھی نوجوانوں میں شامل ہو گئی، جبکہ پی ٹی آئی مینجمنٹ سیل نے سور کے راشد توفیل کو بھی نوجوان بنا ڈالا۔ رحیم یار خان کے مبین عالم اور رئیس محبوب بھی 25 کے لپیٹے میں آ گئے۔ پی ٹی آئی کی مہربانی سے این اے 184 کے باسط بخاری اور چکوال کے امیدوار حافظ مسرور، جو ریٹائرڈ میجر جنرل بھی ہیں، وہ بھی اب خود کو 25 کا کہہ سکیں گے۔ اور تو اور پی ٹی آئی نے توبہ ٹیک سنگھ سے نون لیگی رہنما نازیہ راحیل کو نہ صرف 25 کی فہرست میں شامل کیا بلکہ پارٹی ٹکٹ بھی دے ڈالا۔ نوجوانی کی برسات میں مینجمنٹ سیل نے پارٹی رہنما زرتاج گل کے ساتھ ہاتھ کر ڈالا۔ 33
40 साल सरताज गुल की उम्र 40 साल लिख दी। कम उम्र की ख्वाहिश तो सभी को होती है, अब समझ में आया कि सियासतदान जोग दरजोग पीटीआई में क्यों शामिल हो रहे थे। यूटर्न के लिए मशहूर तहरीक इंसाफ ने रॉन्ग टर्न ले लिया। तौबा टेक सिंह के हलका पीपी 122 से नून लीग की नाजिया राहिल को टिकट जारी कर दिया। नाजिया राहिल का कहना है कि पीटीआई ने बिन मांगे ही टिकट दे दिया। नहीं हुआ मुझे 2008 में भी मैं मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्ट होकर असेंबली की मेंबर बनी थी। उसके बाद 2013 में मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्ट होकर मैं असेंबली की मेंबर बनी हूँ। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं मुस्लिम लीग नून की मेंबर हूँ और उनका एक हिस्सा हूँ। और मैं ये पुरजोर इस बात की तरदीद करती हूँ कि मेरी तरफ से या मेरे ग्रुप की तरफ से कभी भी पीटीआई को सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिया गया। कभी कोई ऐसा जवाब उन्होंने कई दफ़ा रابطे करने की कोशिश की लेकिन हमेशा उनको रिफ्यूज़ किया गया। और मैं इस पर अपने लॉयर के साथ भी डिस्कस करूंगी कि उन्होंने मेरा नाम वेबसाइट पर क्यों डाला। पार्लिमानी बोर्ड इजलास में नवाज शरीफ के खुशगपियां, रहनुमाओं से शेर सुनाने की फरमाइश करते रहे। हामिद शेरली और राना सनाउल्लाह में सुरहा कराने पर गुदसिया जिया को टिकट की पेशकश की। बुझा सको तो दिया बुझा दो, दबा सको तो सदा दबा दो। मुशाहिदुल्ला ने इनकलाबी शेर सुनाकर माहौल को गर्मा दिया। लाइन बनाओ, टिकट कटाओ, नहीं मेरे घर टिकट लेकर आओ। निसार पर छोटा भाई निसार बड़ा लिफ्ट कराने को नहीं तैयार। चौधरी निसार को टिकट देने के मामले पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में इख्तलाफात बढ़ गए। निसार टिकट के लिए बाजाब्ता दरख्वास्त दें तो गौर किया जाएगा, नवाज शरीफ का मौके। नून लीग ने भावलपुर में कौमी असेंबली के टिकट जारी कर दिए। बलीगुर रहमान एन 170, रियाज पीरजादा एन 171 से पार्टी के उम्मीदवार, एन 172 से सऊद मजीद, एन 173 से नजीब अवैसी, एन 174 से मलिक खालिद को टिकट मिल गया है। आपको बता दे चले कि टिकटें तकसीम हो गई हैं। नून लीग ने रियाज पीरजादा को एन 171 से टिकट दे दिया। बलीगुर रहमान एन 170, रियाज पीरजादा एन 171 से पार्टी के उम्मीदवार थे, जबकि एन 172 से सऊद मजीद, एन 173 से नजीब अवैसी, एन 174 से मलिक खालिद को टिकट मिल गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कौमी असेंबली के दो हलकों से मैदान में उतरने को तैयार। वो कहती हैं एन 125 और 127 से दरख्वास्त दे रही हूं, हलका इंतखाब का फैसला पार्टी क्यादत करेगी। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। आई एम सॉरी बूजी। जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं। जम्हूरियत अगर बेहतरीन निजाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुंचती। इंसाफ, आईन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं। 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए। इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों। इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजोरिटी। आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आजम हूँ। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेजी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओ नवाज शरीफ, हमारे आए सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश डर लगा। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अफवाह की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ, पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। وتنزع الملك ممن تشاء جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں۔ اسرافیل اور یہ تیرا غلام، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت دے دے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے، اللہ چاہے تو قبول کر لے، اس کا احسان ہے، وہ رد کر دے مردود کر دے، وہ بے نیاز ہے۔ پاکستان PIB کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ کہتے ہیں -1 تک تو ٹھیک ہے، اگر -MQM کا تاثر ملا تو کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آزاد نوہیوں کی رپورٹ۔ MQM پاکستان PIB گروپ کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں سے NA 241، 245 اور 247 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ MQM پاکستان کو اب تک سیاسی آزادی نہیں دی گئی۔ -1 فارمولا تک تو ٹھیک، اگر MQM کو مائنس کرنے کا تاثر ملا تو کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں نے الیکشن کے بائیکاٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا، میں نے بائیکاٹ کا لفظ بھی یوز نہیں کیا اور اس کے ارادے کا اظہار بھی نہیں کیا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں دیوار سے لگائے جانے کا عمل اب بند ہونا چاہیے۔ فاروق ستار نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو MQM پاکستان کے کنوینئر شپ پر میرا نام لکھنا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو عبوری فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے۔ MQM رہنما کا کہنا تھا کہ حلقہ بندیوں میں ناانصافی اور ترقیاتی فنڈز کا استعمال قبل از انتخابات دھاندلی ہے۔ امیدواروں کے اخراجات پر پابندی لگائی گئی ہے لیکن جماعت پر نہیں۔ جماعتوں پر پابندی نہ لگانے سے یکساں مواقع فراہم نہیں ہوں گے۔ کیمرامین بلال نیازی کے ہمراہ آزاد نوڈیو 24 نیوز کراچی۔ عام انتخابات 2018 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہونے میں 2 دن باقی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ملک بھر سے 5,000 سے زائد کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا چکے ہیں، جبکہ سکروٹنی کا عمل جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کا سکروٹنی سیل FBR، نیب، نادرا اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر جانچ پڑتال کر رہا ہے۔ سکروٹنی کا عمل 19 جون تک مکمل ہوگا۔ تو اس طرح عام انتخابات 2018 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہونے میں 2 دن باقی ہیں۔
आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कालाबाग डैम बनाने से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाप्त। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं सुप्रीम कोर्ट डैम्स बनाने से मुतल्लिक आगे बढ़ेगी और अपना किरदार अदा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कालाबाग डैम बनाने से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाप्त हुई। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं सुप्रीम कोर्ट डैम्स बनाने से मुतल्लिक आगे बढ़ेगी और अपना किरदार अदा करेगी। ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार का। अगर बात करें असगर खान केस की तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करा दिया है। नवाज शरीफ और सिराजुल हक ने इंतखाबी मुहिम में रकम लेने के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। रिपोर्ट में देखिए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करा दिया। इंतखाबी मुहिम में रकम लेने के इल्जाम मुस्तरद करते हुए नवाज शरीफ ने अपने जवाब में कहा 1990 में DGISI या इसके किसी नुमाइंदे से कोई रकम वसूल नहीं की। अपने वकील के जरिए दाखिल जवाब में नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि कभी यूनुस हबीब से 35 लाख रुपए वसूल नहीं किए। इल्जाम पर 14 अक्टूबर 2015 को बयान रिकॉर्ड करा चुका हूँ। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लाम सिराजुल हक ने भी असगर खान केस में जवाब जमा कराते हुए पैसे लेने की तर्दीद कर दी। उनका कहना था 1990 के इंतखाबात में जमात इस्लामी ने ISI समेत किसी भी इदारे से कभी रकम वसूल नहीं की। जमात इस्लामी 2007 में रजाकाराना तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनी। जवाब में सिराजुल हक ने मजीद कहा कि बतौर अमीर जमात हर तहकीकाती कमीशन या फोरम पर पेश होने को तैयार हूँ। मौसम के हवाले से बात करेंगे जिसने ली अंगड़ाई। लाहौर समेत पंजाब भर में सुबह होते ही घटाएं छा गईं, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बारिश के साथ याला बारी से मौसम खुशगवार हो गया। सवात, पारा चनार और कराची में रिमझिम से गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में काली घटाएं छाने और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश और ठंडी हवाओं ने शदीद गर्मी का जोर तोड़ दिया। सुबह सवेरे लाहौर को काली घटाओं ने घेर लिया, ठंडी हवाएं चलने लगी, फिर बारिश के साथ हुई यालाबारी। मौसम और भी रंगीन हो गया, रोजेदारों की जान में जान आ गई, तफरीह के लिए दिल मचलने लगे। इस्लामाबाद में भी बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं, जिससे दारुल हुकूमत का टेम्परेचर भी नीचे आ गया। बलूचिस्तान के जिला योब और हजारा डिवीजन में भी बादल झूमकर बरसे। योब में 12 और बालाकोट में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोधा, मुल्तान, डेरा गाजी खान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई की है। जान को खतरा या हमजा का खौफ, बादलों ने आयशा अहद को सब कुछ भुला दिया। गुज़िश्ता बारिश की शाम आयशा अहद ने बादलों को एंजॉय करने का सोचा, बरसती बूंदों के मजे। सरकारी गाड़ी की फ्रंट पर बैठकर लेने के लिए बारिश में शहर की सैर पर निकल पड़ी। पुलिस अहलकार भी बादलों की तरह आयशा अहद के साथ हो लिए। अफसरान को पता चला तो अहलकारों को गैर संजीदा करार दिया। बारिश के मजे लेने वालों को बदल कर संजीदा अहलकार तायुनात कर दिए गए। कोहे सुलेमान पर बारिश रहमत की बजाय ज़हमत बन गई। बारिश के बाद नदी नालों में पानी ने सैलाबी सूरतेहाल इख्तियार कर ली, जिससे सखी सरवर और कबायली इलाकों में ज़रई राज़ी ज़ेरे आब आ गई। ट्वेंटी फोर न्यूज ने फैसलाबाद के लाइट हॉस्पिटल में 9 मौलूद बच्चों की खरीद और फरोख के घनौने कारोबार का इंकशाफ किया। मकरूह धंधे में मुलविस मुलाजमा खुर्शीद बीबी और उसका शोहर गिरफ्तार कर लिए गए, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 60 से खुर्शीद बीबी 30 साल से लाइड अस्पताल की मुलाजमा है। इस धंधे में इसका शौहर शरीक जुर्म है। खुर्शीद बीबी ने अपने बयान में इंकशाफ किया है कि इसके साथ 3 डॉक्टर्स भी मुलविस हैं और वो अब तक 1200 से जायद माओं के जिगर गोशे फरोख्त कर चुकी। खुर्शीद बीबी ने बताया कि लड़का 3 लाख और लड़की 2 लाख में फरोख्त की जाती है। तो
एसपी लॉयलपुर टाउन मोहम्मद मास ने बताया कि इस मकरू धंधे के पीछे पूरा नेटवर्क है जिसे जल्द बेनकाब कर दिया जाएगा। एफआईआर दर्ज हो गई है थाना सिवन पीएस सिविल लाइन के अंदर, तो सारे जितने भी अमूर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और जब भी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी देन वी विल बी एबल टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग दिस केस। एमएसएलआईड अस्पताल खुर्रम अल्ताफ ने 24 न्यूज को बताया कि खुर्शीद बीबी को मुअत्तल कर दिया लेकिन इसकी सरगर्मियों का अस्पताल से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है, ये सिर्फ ऐसे लोगों को अब इन्वॉल्व कर रही है क्योंकि वो खुद पकड़ी गई है, वो खुद एक काम गुनाना या गलत काम कर रही है। हमने अस्पताल से भी उसको सस्पेंड कर दिया, जो ही पुलिस की इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो जो भी बज़ाब्ते की कार्रवाई है वो हम भी करेंगे इंशाल्लाह। पुलिस के मुताबिक घिनौने कारोबार में मुलव्वस दीगर अफराद के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आई एम सॉरी जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जम्हूरियत अगर बेहतरीन निजामे हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुंचती? इंसाफ, आईन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजोरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आजम हूँ। बेटे चुप बोलो, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेजी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओ नवाज शरीफ, हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी असद। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रेंड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अफवाह की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश।
کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہاتھ پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے باز کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھیے پروگرام انکشاف ہفتہ اور اتوار کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر وتنزع الملک ممن تشاء جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت دے دے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا احسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں بت پڑے ہوئے ہیں یہاں خیر پڑے ہوئے ہیں یہاں مخلوق آ گئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صبر سر بازار ملا ہم سننے والا کوئی نہیں دیکھیے پروگرام حیال الفلاح روزانہ صبح 7:03 پر صرف 24 نیوز HD پر سوری جلد مچنے والی ہے 24 نیوز کی سکرین پر افرازفری کیا مدد کہیں گے اہم خبر آپ کو دے جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے دستبردار ویڈیو پیغام نے کہا آکسفورڈ میں زیر تعلیم ہونے کی وجہ سے انتخابی مہم نہیں چلا سکتا تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا اور ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ آکسفورڈ میں زیر تعلیم ہونے کی وجہ سے انتخابی مہم نہیں چلا سکتا افسوسناک واقعہ پیش آیا مسجد حرام میں مسجد الحرام کے پاس فرانسیسی شہری نے بالائی منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی حکام کے مطابق گرنے والے شخص کی فوری موت واقع ہو گئی افسوسناک واقعہ پیش آیا مسجد الحرام کے پاس فرانسیسی شہری نے بالائی مسجد سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی حکام کے مطابق گرنے والے شخص کی فوری موت واقع ہو گئی